बड़ी खबर है हाथरस की घटना को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। सपा की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार के खिलाफ महिला कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, हाथरस की घटना को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। योगी सरकार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव टुडे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। लखनऊ में महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है कार्यकर्ताओं को। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, ये मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला है हाथरस कांड पर। अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस से नोकझोंक हुई, झड़प हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव लाइव। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन दिखा रहे हैं आपको राजधानी लखनऊ की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव टुडे पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव टुडे पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता जो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं हाथरस कांड को लेकर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मयूर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर आई है, प्रदर्शन कर रही है, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, अपडेट दीजिए मयूर। अति देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ हाथरस मामले को लेकर सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है, लाठी खा रही है, खून बह रही है। तो अभी तक हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की जितनी भी विंग थी वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज हाथरस वाले मामले को लेकर जो महिला विंग है समाजवादी पार्टी की, उसकी जो सपा नेता है, बड़ी नेता है वंदना मिश्रा, उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर बीजेपी कार्यालय के पास से ही वो पदयात्रा पर निकल पड़ी और बीजेपी कार्यालय वो जा रही थी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने, लेकिन रास्ते में ही उनको पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि उनके हाथ में जो भी बैनर थे, पोस्टर थे, उसमें लिखा हुआ था कि तानाशाही नहीं चलेगी और कानून का जो भी उल्लंघन प्रदेश में हो रहा है, जो भी ये बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं, उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री संज्ञान में ले और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योगी आदित्यनाथ की एक फोटो थी, उसके ऊपर चूड़ियां उन्होंने पहना रखी थी। साफ संकेत यह है कि योगी आदित्यनाथ अगर कोई मजबूत कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, कठोर कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये चूड़ियां वो पहन ले। और उनका कहना है कि अगर वो जो भी बलात्कारी हैं, चाहे वो बलरामपुर की बात हो, चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, अगर उनको वो फांसी की सजा नहीं दिला पाते हैं तो वो अपना इस्तीफा दे देते। तो ये सब तमाम सारी मांगों को लेकर जो भी समाजवादी पार्टी की महिला विंग है वो आज सड़कों पर दिखी है। इसके पहले जो भी समाजवादी पार्टी के चारों विंग हैं वो सड़कों पर दिखते रहे हैं, जिसमें पुरुष लाठी डंडा खाते रहे। हालांकि किसी भी तरीके का बल प्रयोग उनके ऊपर नहीं किया गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं किया गया, क्योंकि बहुत कम संख्या में वहां पर जो महिला कार्यकर्ता थी वो मौजूद थी, 10 से 15 लोग मौजूद थे। उन्हें पुलिस ने उठाकर हिरासत में लिया है और ले जाके इको गार्डन को ले जाया गया है। आदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर। खबरों में आगे बढ़ेंगे।